మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఓకే దోస్తో, వెల్కమ్ టు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ వైభవ్ అడ్వాన్స్ లర్నింగ్. వైభవ్ అడ్వాన్స్ లర్నింగ్ మే ఆప్కా స్వాగత్ హై. ఆజ్ కా యా వీడియో బహుత్ హి ఇంట్రెస్టెడ్ హోనే వాలా హై. ఇస్మే బహుత్ హి అచ్చే టాపిక్ కో కవర్ కర్నే వాలే హై ఆప్కే లియే హమ్. देखिए, हमारे सामने एक क्वेरी आई है बच्चों के द्वारा कि हम जो इंग्लिश में लैंग्वेज लिखे हुए थे वो इंग्लिश में था, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में था. हम प्रयास करेंगे उसको भी हिंदी करें और आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ हिंदी में ही समझाएं. हम तो हिंदी में ही बोलते हैं ताकि सारे बच्चों को इसका एडवांटेज मिल सके. तो हम ऐसा करेंगे, जैसा आपका सजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे. फिर एक बच्चे ने हमको बताया कि सर आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए, मतलब जो भी आपका ये वर्ड हो वो लार्ज साइज़ में हो. तो मैंने इसको भी फॉलो किया. मैं जो है अब जो कुछ भी लिखूँगा थोड़ा सा बड़े साइज़ में लिखूँगा. अब ऐसे ही अगर कोई भी आपके मन में अगर कोई सजेशन हो या कुछ बताना चाहते हों तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें. हम 100% प्रयास करेंगे कि आपके सजेशन को हम फॉलो करें. ठीक है, आज के वेरी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग. जैसे वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है. आज इन सब टॉपिकों पर हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं. ठीक है, देखिए बच्चों, आपके सामने जो है लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप जो डिफिनीशन पढ़ते आए हैं, रियल में जो डिफिनीशन वास्तव में होता है, वो सब का हम जो है रिलेट करेंगे. सबको हम आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर करके बता देंगे ये वास्तव में क्या है, यह इसका मतलब. देखिए, आप सीधे सीधे समझिए, बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं हो सकता. जैसे व्यक्ति की आत्मा है जिसको आप देख नहीं सकते, उसी तरह से एनर्जी है जिसको आप देख नहीं सकते. जैसे व्यक्ति की आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये एनर्जी है जो एक रूप को छोड़ करके दूसरे रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है. ठीक है ना, मतलब क्या है, ये एनर्जी को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव का अध्ययन अवश्य ही किया जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ जो एनर्जी है जिसके द्वारा हम कोई भी काम कर पाते हैं या जिसके जो कार्य करने की क्षमता है, यू कैन से इन ईजी लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया तो वो जो भोजन मैंने किया वो जो है स्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई शरीर के अंदर. अब उसी एनर्जी का प्रयोग करके हम चलते हैं, कोई भी काम करते हैं, बोलते हैं, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हर काम उसी से अब हम करते हैं. जब तक वो एनर्जी स्टोर है तब तक तो हम काम करते हैं, जब एनर्जी वो लास्ट हो जाती है तो हमें भूख का क्या होता है, भूख का एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू माइंड. माइंड हमको आभास कराती है कि हमें भूख लगी है. तो वही एनर्जी की बात हम यहाँ भी कर रहे हैं. देखिए, कोई भी चार्ज है, अगर वो चार्ज काम कर रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एनर्जी है. बिना एनर्जी के वो काम नहीं कर सकता. तो इस चार्ज की जो एनर्जी है उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी. चार्ज की जो एनर्जी होती है जिससे कोई काम करता है, आवेश की जो ऊर्जा होती है जिससे वो कोई काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी. अब जैसे देखिए, मान लीजिए आपके सामने मैंने एक मार्कर उठाया. जब मैं मार्कर ये उठाया हूँ तो मैंने क्या किया, अर्थ के अगेंस्ट वर्क किया, मतलब पृथ्वी के विरुद्ध मैंने काम किया. ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रहा है, मैंने इसको क्या किया, ऊपर उठाया. तो मेरे शरीर से जो काम हुआ वह इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया, संचित हो गया. जो मैंने काम किया इसको ऊपर उठाने में, वह काम इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो गया, संचित हो गया. जब मैंने इसको छोड़ा तो वह काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, टकराने के बाद वह साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. हमारी बात को एक बार सुनिए, जैसे हमने इसको उठाया, उठाने में जो वर्क किया गया हमारे शरीर के द्वारा, वह वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी, विभव ऊर्जा के रूप में क्या हो गया,
संचित हो गया, जिसको आप स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा है इसमें, मतलब एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें वो काम हमारा संचित हो गया। जब इसको मैंने छोड़ा तो वो गतिज ऊर्जा में बदला, और जब टकरा गया तो किस में बदल गया? साउंड एनर्जी, मतलब ध्वनि ऊर्जा में बदल गया। तो आपके सामने ही देखे कि एनर्जी का किस प्रकार से एक रूप से दूसरे रूप में क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ। मतलब इसको ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लगातार इनका क्या होता है, कन्वर्जन होता है। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, पहले आप डिफिनेशन तो पढ़ते ही आए हैं कि जो आपका वी होता है, एक ई नहीं है, क्या है, हमने लिख दिया पहले ताकि लिखने में समय बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने पहले स्टेटमेंट लिख दिया है। जो भी है, पहले आपको इसके फार्मूले पे देखिए, वी बराबर क्या होता है, डब्लू अपान की, डब्लू क्या है, वर्क, ये क्या है, चार्ज, ठीक है। तो आप इसको आप जूल में मेजर करते हैं, इसको कूलाम में मेजर करते हैं, तो लिख सकते हैं एक जूल अपान एक कूलाम, तो ये क्या हो गया आपका, एक बोल्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एक बोल्ट हो गया। अगर आप डिफिनीसन बढ़ावें, अगर यहाँ आप एक पुट करें तो भी बराबर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अगर ये यूनिट हो गया तो भी बराबर क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, मतलब किसी ऑपरेटस को चार्ज करते हैं, जैसे बल्ब है इसको हमें जलाना है, पंखा है इसे हमें चलाना है, तो जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो इसमें जो भी कार्य किया जाता है, मान लीजिए यहाँ तो हमारा शरीर काम किया, अब उस चार्ज को भेजने में आप किस डिवाइस का यूज कर रहे हैं ये तो आप जानेंगे, आप तो उस पर डिपेंड करता है। मतलब काम किसी न किसी के द्वारा होना है, तो चार्ज को, जब किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो जो काम किया जाता है वही कार्य उसमें, उस चार्ज में क्या हो जाता है, किसमें, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है ना। मतलब जब किसी हमें बॉडी को चार्ज करना हो, जैसे आपका बल्ब हो गया इसे चलाना हो, फैन हो चलाना हो, टीवी हो उसको चलाना हो, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब किसी बॉडी को चार्ज, बिना चार्ज के तो होगा नहीं, मतलब चार्ज वहाँ तक हमको भेजना है, तो जो कार्य किया जाता है चार्ज को वहाँ तक भेजने में, वही कार्य उसमें इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रो पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि चार्ज कहाँ से आ रहा है ये हमें मालूम नहीं चलता। मान लीजिए कि अगर लाइट नहीं है तो आपके घर में बैटरी लगी है, इन्वर्टर लगी है, चार्ज यहीं से आ रहा है। अगर लाइट है तो अब किसी ट्रांसमिशन से, फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन से, फिर सब स्टेशन से यहाँ तक आपकी सप्लाई आपको मिल रही है। मतलब चार्ज का कोई परफेक्ट आइडिया नहीं है कहाँ से आ सकता है। अब जब बारिश का मौसम में क्या होता है, बादलों में तेज गर्जना होती है, बहुत तेज फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ हाई पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। अब वो पोटेंशियल हाई होती है वहाँ, अर्थ की पोटेंशियल लो, अब बारिश की जो बूंदें होती हैं वो कंडक्टर का काम करने लगती हैं, तो करंट वहाँ से फ्लो हो जाता है, चार्ज वहाँ से फ्लो हो जाता है। तो चार्ज के आने का कोई फिक्स प्लेस नहीं है, इसलिए हम इनफाइनाइट कहते हैं कि इनफाइनाइट से जब कोई चार्ज आता है, क्या होता है, इनफाइनाइट से जब कोई चार्ज आता है, मान लीजिए किसी पॉइंट पे हमें ले आना है, तो ले आने में जो भी वर्क डन होता है, जो भी यहाँ काम किया जाता है, ठीक है, उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। मतलब अगर एक यूनिट चार्ज है तो जो लाने में जो भी काम किया जाएगा, W, अगर इसको हम एक कर दें, Q बराबर एक कर दें, तो भी बराबर W नहीं हो जाएगा। यानी कि एक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क किया जाता है उसी को क्या कह दिए, पोटेंशियल कह दिए, विभव कह दिए, या जो ये वर्क किया गया वही वर्क उस चार्ज में इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो गया। यानी कि इस पॉइंट पर एक कूलाम की जो एनर्जी है उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। मतलब एक यूनिट चार्ज की जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं।
ये डिफिनीसन है बताने के लिए, लिखने के लिए, लेकिन समझने के लिए सीधे सीधे आप कहिए जो चार्ज के पास जो एनर्जी होती है जिससे चार्ज काम करता है उसी एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में यू कैन से। ठीक है, बिना एनर्जी के वो काम नहीं कर सकता, लेकिन एक मैनर में इसको डिफाइन करने के लिए हम इस तरह से परिभाषाओं का प्रयोग करते हैं कि चार्ज को हम 1 कूलम कर दें तो वी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क किया गया वही क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। अगर मान लीजिए कहीं किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो चार्ज इकट्ठा है उसमें 1 कूलम चार्ज की जो एनर्जी है वो कितनी है, 10 जूल के बराबर है। मतलब अगर किसी पॉइंट पर अगर 1 वोल्ट की पोटेंशियल है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर 1 कूलम की एनर्जी कितनी है, 1 जूल है। मतलब अगर 10 वोल्ट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो 10 W/कूलम, यानी कि 10 ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जूल में, इसको किस में, कूलम में। तो क्या आप देखिए 10 वोल्ट को क्या समझ रहे हैं, अगर किसी पॉइंट पर अगर 10 वोल्ट है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर 1 कूलम की एनर्जी कितनी है, 10 जूल है। ठीक है, तो मतलब 1 कूलम की जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, फॉर गिविंग डिफिनीशन। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रियल में है क्या चीज़। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक प्रकार की चार्ज की एनर्जी है जिससे चार्ज किसी सर्किट में वर्क करता है, काम करता है। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन है। अब हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हम जो हम स्टडी करेंगे विभवांतर, ये जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, विभव प्लस अंतर, यानी कि विभव में अंतर, उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। देखिए डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप हमसे पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में आप हमसे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के विषय में मेरे पास आपके कंपैरिजन में, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके कंपैरिजन में हमारे पास नॉलेज ज़्यादा है तभी ना आप हमसे पढ़ रहे हैं। यानी कि जो ज्ञान का प्रवाह हो रहा है वो हाई से लो की ओर हो रहा है। उसी तरह से जैसे आपकी हीट होती है, जाड़े के समय में होता क्या है कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कम हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है, तो जो हीट होती है वह बॉडी से एटमॉस्फेयर की ओर फ्लो होने लगती है और हमें ठंडक महसूस होने लगता है। लेकिन अगर हम उष्मा का कोई कुचालक पहन लें जैसे ऊन से निर्मित वस्त्र, तो वो हीट रुक जाती है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि जैसे हीट भी हमेशा उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर क्या होती है, फ्लो होती है। उसी तरह से यहाँ करंट भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होती है। अगर करंट को भी फ्लो करवाना हो, करंट का सीधा कंपैरिजन आप रखिए पानी से। ठीक है, जैसे पानी जो होती है वो कैसा, पानी का प्रवाह कैसे होता है, उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर होता है। अगर दो पोखरे हो, दोनों बराबर गहराई को हो, दोनों में पानी बराबर हो, तो क्या पानी का प्रवाह होगा, नहीं होगा। पानी का प्रवाह तभी होगा जब एक में कम पानी हो, एक में ज़्यादा पानी हो, अंतर होना ज़रूरी है तभी पानी फ्लो होगी। देखिए ये सारी चीज़ें मैं शुरुआत में करंट के डिफिनेशन में बता दिया है, हमारी वीडियो आपको अच्छे तरीके से तभी समझ में आएगी जब आप शुरू से सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। आप पूरे पार्ट को जब तक देखेंगे नहीं तब तक अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी, इसलिए करंट का पार्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें सारी वीडियो सीरीज में दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ बता रहे थे जैसे आप मान लीजिए आप डीसी के केस में सोचे सुने होंगे कि डीसी के केस में जो करंट का प्रवाह होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है, किधर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है डीसी के केस में। आप एसी के केस में सुने होंगे कि जो आपका करंट होता है वो फेज से न्यूट्रल की ओर होता है, क्योंकि फेज में हाई वोल्टेज रखा जाता है, करंट में जीरो वोल्टेज रखा जाता है। मतलब फेज में हाई वोल्टेज रखा जाता है, न्यूट्रल में जीरो वोल्टेज रखा जाता है, तभी करंट जो है फेज से न्यूट्रल की ओर फ्लो होती है। चूंकि एसी है इसलिए फिर न्यूट्रल से फेज की ओर फ्लो होती है, फिर फेज से न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल से फेज, ऐसे जो है इसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता है, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। अगर 10 एम्पियर की एसी है तो मैक्सिमम मान इसका 10√2 होगा। ठीक है,
लगभग 11 एम्पियर की जो करंट होगी वो कैसे फ्लो होगी, वो इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लगातार क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम मान तक पहुंचेगी जीरो से, और फिर मैक्सिमम से घटते घटते जीरो तक आएगी। ऐसी करंट का नेचर होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगातार क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ एसी में ऐसा होता है, डीसी में ऐसा होता है। अगर यही डिफरेंस नहीं होता, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी फेज ये भी फेज, क्या करंट फ्लो होते, नहीं होते। इसीलिए पोटेंशियल का डिफरेंस आवश्यक होता है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या है, टू पॉइंट के विभवों में ये क्या है, अंतर है। तो यहाँ हमारी बात समझिए ध्यान से। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है आपका ये दूसरा पॉइंट है क्या आपका बी। यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस है। यहाँ पे पोटेंशियल मान लीजिए वी ए है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, वी बी है। देखिए, जो आवेश होता है चार्ज, चार्ज क्या होता है, मतलब आवेश क्या होता है, ये होता है आपके ये लो पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल मतलब कम विभव, कम विभव से हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल मतलब उच्च विभव की ओर फ्लो होता है। ध्यान दीजिएगा, चार्ज की तरफ फ्लो होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। अब करंट जो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, करंट मतलब धारा जिसे कहते हैं, ये जो होता है ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। देखिए, ऐसा क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमेशा जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे बैटरी लगी है, यहाँ पे बल्ब लगा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ से निगेटिव टर्मिनल से और जाता कहाँ है, पॉजिटिव टर्मिनल। और करंट क्या होती है, इसके अपोजिट में, पॉजिटिव से निकले कहाँ जाती है, निगेटिव की ओर जाती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट क्या होती है, फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन किधर होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर क्या होता है, फ्लो होता है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ अगर करंट की हम बात करें तो हम पढ़ते हैं ना I बराबर Q अपान टी, हम पढ़ते हैं I बराबर क्या पढ़ते हैं हम, Q अपान टी। अगर इस चार्ज के जगह पे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव। तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, I प्रोपोर्शनल माइनस क्यू। मतलब जो करंट है वो चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी कि जो माइनस का साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन, मतलब जो करंट है वो चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है ना। अब देखिए, अब बिना प्रेशर के, बिना प्रेशर के ये चार्ज निकल के पॉजिटिव की ओर, निगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर नहीं आएगा। मतलब यहाँ एक प्रेशर मेंटेन होता है जिससे चार्ज निगेटिव से निकल के पॉजिटिव की ओर आता है। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं। और यह प्रेशर तभी मेंटेन होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसीलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर को ही क्या कह देते हैं, वोल्टेज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वोल्टेज कह देते हैं, क्योंकि जब तक ये डिफरेंस होगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर पड़ेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन पे जो प्रेशर पड़ता है जिससे वो सर्किट में फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड वोल्टेज। इसीलिए आप पोटेंशियल डिफरेंस कहें या वोल्टेज कहें, दोनों बात एक ही हुई। यानी कि इस तरह से हम जब वोल्टेज को डिफाइन करते हैं, तो वोल्टेज को अगर हमें डिफाइन करना हो तो जो वोल्टेज होता है, दिस इज नथिंग सिंपली ए इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये क्या होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। ठीक है, जो पोटेंशियल के कारण जो है उत्पन्न होता है। ठीक है ना।
तो आपको ये अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा होता है। अब मान लीजिए कि इनके दोनों के बीच का जो विभवांतर है मान लीजिए 10 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एक कूलाम चार्ज को 10 वोल्ट का आप देखें परिभाषा क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट यानी कि W अपान Q यानी कि 10, यहाँ जूल अपान कूलाम, इसको कूलाम मान लीजिए, एक कूलाम मान लीजिए, यानी कि यहाँ परिभाषा में देखिए 10 वोल्ट विभवांतर के परिभाषा में एक कूलाम की एनर्जी कितनी हो रही है 10 जूल। इसका मतलब कि एक कूलाम एनर्जी को मतलब एक कूलाम चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ले जाने में 10 जूल के बराबर हमें काम करना पड़ेगा। मतलब एक कूलाम आवेश को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ले जाने में हमें 10 जूल के बराबर काम करना पड़ेगा। ये इसका मतलब होता है 10 वोल्ट विभवांतर का, ठीक है ना। तो सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से ही आपका पोटेंशियल बनता है। पोटेंशियल का संबंध किससे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी से। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? चार्ज की एनर्जी। बिना चार्ज एनर्जी के कोई काम नहीं करेगा। जिस एनर्जी से आवेश काम करना शुरू करता है परिपथ में उसी को हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और इसी अगर हम एक कूलाम परिभाषा देखें तो एक कूलाम की जो यह एनर्जी है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। अब दो बिंदुओं के बीच जो इन पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को विभवांतर कहते हैं। पोटेंशियल में डिफरेंस होने से ही एक प्रेशर क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन पे, जिससे इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होते हैं। इसी प्रेशर को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर या क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ तक की आशा है आपको पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और वोल्टेज क्या है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं ईएमएफ क्या है, ईएमएफ का इनसे किस प्रकार का संबंध है। देखिए दोनों का यूनिट सेम होता है, वोल्टेज का भी वोल्ट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट होता है, ठीक है ना। दोनों का यूनिट क्या होता है? सेम होता है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब हम अगला टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है ईएमएफ, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ हमेशा किसी न किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का होता है, किसी वैद्युत युक्त का ही ईएमएफ होता है हमेशा। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यह किसी प्रकार का फोर्स नहीं है, यह एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है। यह भी एक प्रकार क्या है? एनर्जी है, जो किसी डिवाइस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को प्रोवाइड किया जाता है। बताइए बैटरी है, बैटरी से बल्ब जलाना है तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन जब बल्ब में जाएंगे तभी ना बल्ब का फिलामेंट जो है प्रकाशित होगा। तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन वहाँ तक कैसे जाएंगे जब तक बैटरी उसको एनर्जी नहीं देगी? तो बैटरी जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देती है जिससे वो सर्किट में फ्लो हो सके उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी बैटरी का ईएमएफ अगर 4 वोल्ट है या 10 वोल्ट है जो भी है, तो आप इसका मतलब क्या निकालेंगे? इसका मतलब निकालेंगे, अगर इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी बैटरी है वह अपने एक यूनिट चार्ज को मतलब एक कूलाम चार्ज को एक यूनिट चार्ज को 10 जूल के बराबर एनर्जी दे रही है। 10 जूल एनर्जी क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है या दे रही है। मतलब अगर 10 वोल्ट ईएमएफ है तो इसका मतलब यह हुआ किसी बैटरी का अगर ईएमएफ 10 वोल्ट है, इसका मतलब वो एक यूनिट चार्ज को 10 जूल एनर्जी क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है। यहाँ भी यूनिट चार्ज और जूल की बात हो रही है, यानी कि जो ईएमएफ की फार्मूला होता है वो भी क्या होता है? W अपान Q होता है, ठीक है। मतलब एक यूनिट
चार्ज को कितनी एनर्जी मिल रही है उसी को हम क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। आप इसका सीधा परिभाषा ऐसा कह सकते हैं कि एक यूनिट चार्ज की एनर्जी क्या कहलाती है, EMF कहलाती है। ठीक है, यहाँ हम बगल में एक छोटा सा फिगर बनाया, आप यहाँ समझ लीजिए करंट फ्लो होता है कहाँ से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, ये आप जानते ही हैं। तो जब करंट फ्लो होगा तो बैटरी के पास टोटल एनर्जी रहे, अब वो कर क्या रही है, जब करंट यहाँ फ्लो हो रहा है तो चूंकि इंटरनल में क्या है, आपके लिक्विड हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, करंट अंदर भी तो फ्लो होती है, अंदर फ्लो होने के कारण जो भी यहाँ पे आपका एसिड है, जो कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें करंट फ्लो होने के कारण वह इलेक्ट्रोलाइट उसके मार्ग में एक तरह का क्या अपोजिशन क्रिएट करेगा, मतलब एक प्रकार का विरोध उत्पन्न करेगा। विरोध उत्पन्न करेगा मतलब उसको हम एक जगह पे दिखा दें तो ये रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, उसी को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। बैटरी के अंदर भी तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें करंट फ्लो होगी तो पार्ट्स उनको अपोज क्रिएट करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। मतलब इसके एनर्जी का, बैटरी का कुछ भाग यहाँ खर्च हो जाता है आई इंटू आर के रूप में, इसी को तो यहाँ करंट आई फ्लो हो रहा है, आर रेसिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या पड़ेंगे, आई इंटू आर। अब इतना खर्च होने के बाद जो बैटरी के पास एनर्जी मिली वह कहाँ दे दिया, इस टर्मिनल पे दे दिया, मतलब वोल्टेज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो वोल्टेज है। यानी कि जो टोटल एनर्जी है बैटरी की वह किस में बदल गई, वी प्लस आई इंटू आर में बदल गई, ठीक है ना। इस प्रकार से आप EMF को भी क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। EMF हमेशा किसी न किसी सोर्स का होता है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको तीन डिफिनीशन बताया, तीन नहीं चार डिफिनीशन मैंने आपको बताया, पोटेंशियल, वोल्टेज, EMF, और हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या अगर आपको कुछ अलग दिख रहा होगा तो हमसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।